विपस्सना साधना करने में जो आठांगिक मार्ग यानी जो आठ अंगों वाला जो रास्ता है, जो भगवान बुद्ध ने सुख और शांति के लिए बताया है, जो धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका अंतिम पड़ाव है सम्मा दिट्ठि। सम्मा दिट्ठि मतलब राइट दृष्टि या सही दृष्टि या सही व्यू या सही तरह से देखना। अब ये जो सही तरह से देखना है या राइट व्यू है, ये क्या है? क्योंकि एक कॉमन सी बात है, अगर किसी बच्चे को आप बोलेंगे कि इसको देखो तो वो कहेगा मैं तो बिल्कुल ठीक देख रहा हूं आंखों से। मगर यहां समाधि में आपकी आंखें बंद हैं और आपको कहा जाता है कि आपको सही देखना है। और ये सम्मा दिट्ठि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे आठांगिक मार्ग का, इस अठमी का, इस अष्टमी का, इस एट फोर्ड पाथ का, इस अठकथा का, कि ये सारे पार्ट साथ के साथ इसमें समा जाते हैं। अगर सही दृष्टि नहीं है, सही देखने की काबिलियत नहीं है, अगर आप सही तरह से नहीं देख सकते हैं तो बाकी साथ के साथ बेकार हो जाते हैं। सम्मा दिट्ठि यानी कि आंख बंद करके खुली आंख से भी ज्यादा देखना, यानी देखने के परे देखना, जो चीज देख रहे हैं उससे भी परे देखना, यह है सम्मा दिट्ठि या सम्यक दृष्टि या राइट व्यू या राइट साइट। तीन तरह से समझदारी होती है, बुद्ध के समय से पहले तक दो तरह से थी, तीसरी बुद्ध ने डेवलप की है। इसीलिए बुद्ध का जो मार्ग है, जो बुद्ध का बताया हुआ जो फिलॉसफी है, ये इसलिए यूनिक है, इसलिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें जुड़ी जो पहले नहीं थी और जो आज तक भी नहीं है। पय्या जो शब्द है, जो प्रज्ञा है, ये बुद्ध के समय ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो आती है समझदारी वो आती है स्रोत की, यानी स्रोत की या सोत की या श्रुत की या सोर्स की, यानी कि इन दोनों शब्दों को हम एक तरह से कह सकते हैं। सोत माने बहता हुआ पानी भी होता है, और सोत माने जहां से पानी आता है वो सोर्स भी होता है, और जो सोत होता है उसका मतलब सुनना भी होता है, और श्रोत जो है वो संस्कृत भाषा में है, स्रोत का मतलब होता है श्रोता भी है, श्रोता का मतलब सुनने वाला भी है, और जो स्रोत होता है पानी का झरना उसको भी बोलते हैं। तो एक होता है स्रोत समझदार या स्रोत ज्ञान या स्रोत नॉलेज, या इसको स्रोत पय्या बाद में कहने लगे। दरअसल पय्या तो स्पेसिफिक अलग अलग ही तरह का इस्तेमाल है, मगर यहाँ इसको सूत्रमयी पय्या भी या स्रोतमयी पय्या भी या स्रोतमयी जानकारी या नॉलेज बोलने लगे। क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है, जानकारी हमारे पास आती है, तो उसका एक सोर्स होता है। वो दो तरह से आती है, या तो हम उसे आंखों से देखें, आंखों से देख के हम उसे पढ़ें, या हम उसे टीवी में देखें या वीडियो में देखें या व्हाट्सएप पे देखें या यूट्यूब में देखें, पिक्चर में देखें, मतलब वीडियो में देखें या स्टिल में देखें। दूसरा आता है सुनकर आता है, यानी कि हम सुने वॉइस में, किसी भी भाषा में सुने, कैसी भी आवाज सुने, तो सुन के आता है। ये दो तरह की जो जानकारी है इसको बोलते हैं स्रोतमयी जानकारी या श्रुतमयी जानकारी या सोर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो ये जो जानकारी आती है, जैसे किसी बड़े बूढ़े ने हमें सुनाया तो हमारे कान से, या कोई कहानी सुनाई, या कोई लोकगीत है, या कहीं पत्थर पे सम्राट अशोक ने कुछ लिखवाया हुआ है, या कहीं कोई किताब है, या कहीं वीडियो है, यहाँ या जैसे मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्रोतमयी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी नहीं है। इस पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, इसको सिर्फ जान लीजिए। दरअसल जो भी इंफॉर्मेशन देता है सोत इंफॉर्मेशन में या सोतमयी जो पय्या होती है या समझदारी होती है, जानकारी होती है, वो व्यक्ति की खुद की नहीं होती। जैसे कोई डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनते समय किताबें पढ़ेगा बहुत सारी, तो उससे पहले जो लोग हैं उन्होंने वो सारी खोज की है, उन लोगों ने खोज करके उसको लिखा है, वो ठीक है सत्य है, मगर उनके लिए सत्य है जिन्होंने खोज किया है, बाकी के लिए वो छोड़ गए हैं, कह गए हैं कि आप इसको चेक करते रहना, देखते रहना, बदल भी सकती है, कुछ उसमें डिफ्लेक्शन आ सकते हैं, कुछ उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, कुछ उसमें एडिशन हो सकते हैं, कुछ सबट्रैक्शन हो सकते हैं, मगर जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने देखी समझी अनुभव की वो देखे गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में कोई किताब लिखता है या कोई अखबार है या कोई टीवी वाला है या कोई व्हाट्सएप वाला है या कोई यूट्यूब वाला है, तो वो जानकारी उसकी है जो दे रहा है, और वो उसके अपने काम के लिए है। हम उस जानकारी को पढ़कर और सुनकर और देखकर लेते हैं, तो हमको 100% उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का सा यकीन करना चाहिए इस बात का कि जानकारी आई है, इसको चेक करना है। इसको बोलते हैं स्रोतमयी प्रज्ञा, स्रोतमयी चिंतन या स्रोतमयी सोर्स वाली इंफॉर्मेशन।
दूसरी आती है चिंतमयी, यानी चिंतनमयी, चिंतन युक्त, चिंतन के साथ, चिंतन मनन, यानी कि एनालाइज्ड, एनालिसिस। हम उसको एनालिसिस करें, अगर उसको एनालाइज किया हुआ है, एनालिसिस करेंगे, उसका हम विखंडन करेंगे, उसको हम खंडन करेंगे, उसको हम देखेंगे छोटे 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 टुकड़े करके अनु, तो अच्छी तरह से हमें पता चलेगा। तो ये होती है चिंतनमय, यानी कि जो जानकारी सोर्स से आपको मिली है उसको आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए, अपने अनुभव के अनुसार देखिए कैसी हुई थी, कैसे नहीं, क्या फायदा क्या नहीं है। जैसे आपने देखा कोई पिस्तौल पड़ी हुई है, कोई चाकू है, अब पिस्तौल है या चाकू है, आपको जानकारी मिली कि इससे गोली चलती है, गोली एक साथ लगती है और वो किसी के शरीर में घुस के उसको फाड़ सकती है। चाकू सब्जी भी काट सकता है, चाकू आदमी भी काट सकता है, कागज भी काट सकता है, कोई पेड़ पत्ता भी काट सकता है। ये आपका सोर्स इंफॉर्मेशन है। मगर आपने उसको मनन किया कि अगर बंदूक को मैं चलाऊंगा और उसकी नाल को आगे ना करके अगर मैंने अपनी तरफ का लिया बटन दबा दिया तो गोली धर जाएगी, ये चिंतन मनन है। चाकू आपने लिया और आपने अगर उसके हाथ पे काट के देखा तो आपको चिंतन करने से पता चलेगा कि हाथ भी काटेगा तो खून निकल आएगा, या किसी को काटूंगा तो वो मर भी सकता है। तो ये आपने सोर्स इंफॉर्मेशन पे चिंतन किया, इसलिए आपने हमेशा चाकू को सब्जी पर चलाया या किसी काम पर चलाया, हाथ पर नहीं चलाया, ना आपने ना किसी और के। ये किसी ने कहा कि ये जो बालूशाही है ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, ये लिखा हुआ पढ़ा हुआ सुन लिया आपने और आपने देखा कि ये चीनी से बनती है, मैदा से बनती है, आपने खाई नहीं अभी, तो वो आपका चिंतनमय प्रज्ञा है कि ये ठीक होगी क्योंकि आपने गेहूं खाया हुआ है, आपने चीनी खाई हुई है, उनका मिश्रण है तो ठीक ही होगी। ठीक हो भी सकती है, मगर अगर किसी ने उस गेहूं को जला दिया और काली कर दिया बिल्कुल और चीनी को जला दिया तो चीनी मीठी होगी, गेहूं अच्छा होगा, मगर उसने जो बनाई है वो बेकार बनी है, तो चिंतन से वो खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। इसलिए चिंतन 100% ठीक नहीं होता, चिंतन 100% इसलिए सही नहीं होता क्योंकि अगर किसी ने पिस्तौल बनाई है और वो आगे फायर ना करके पीछे फायर करती है और आपको समझदारी आपने नहीं दिखाई, आपने चिंतन सही नहीं किया, आपने उसको सही तरह से नहीं देखा तो गोली सामने नाल करते हुए पीछे भी लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए चिंतन जो मई प्रज्ञा होती है, समझदारी होती है, वो 100% परफेक्ट नहीं होती है क्योंकि वो किसी बाहर की नॉलेज पे आपने चिंतन किया है, अभी आपकी नॉलेज आपकी जानकारी नहीं है। अधिकतर भारत के अंदर क्या करते हैं लोग, किसी ने बड़े बूढ़े ने बताया, माँ बाप ने बताया, कहीं किताब में सुना, टीवी में सुना, खासतौर से जो समाचार आते हैं उनमें वो 100% उस पर भरोसा कर लेते हैं और लगते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए और लगते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए और पूरे दिन उस पर चर्चा करते हैं, जबकि वो झूठ का पुलिंदा होता है क्योंकि आपने देखा नहीं, ना तो आपने चिंतन किया ना मनन किया। मगर बुद्ध ने इससे भी आगे बढ़ के जो पहिया दी हमें, प्रज्ञा दी, वो है भावमयी प्रज्ञा। दरअसल ये असली प्रज्ञा है, बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन है, ये है प्रज्ञा, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। ये भावमयी प्रज्ञा क्या है? इसी भावमयी प्रज्ञा के लिए, इसी एक्सपीरियंस्ड वाली प्रज्ञा के लिए, इसी फीलिंग वाली प्रज्ञा के लिए, कि भाव है, टच है, फीलिंग है, के लिए सारा काम कर रहे हैं आठागिक मार्ग के अंदर, यानी एट फोल्ड पाथ में। यहां पहुंचना है हमें कि हमें अपने शरीर की अनुभूति पे, अपने शरीर के द्वारा एनालिसिस किए जाने पर, अपने शरीर के द्वारा ये बताने पर ये चीज ठीक है, ये चीज खराब है, मेरा शरीर बता रहा है, मेरा शरीर बता रहा है, मैंने इसको अनुभव कर लिया है, वो जानकारी आपकी अपनी होती है, वो जानकारी बिल्कुल सत्य होती है, 100% सही होती है। आपका शरीर आपको झूठ नहीं बताएगा, आपको आपकी माँ झूठ बता सकती है, आपके पिता झूठ बता सकते हैं, आपका गुरु झूठ बता सकता है, किताबें झूठ बोल सकती हैं, टीवी झूठ बोल सकता है, अखबार झूठ बोल सकता है, दोस्त झूठ बोल सकता है, व्यापारी झूठ बोल सकता है, कोई देशभक्ति के नाम पर आपको मूर्ख बना सकता है, सब झूठ बोल सकते हैं, मगर आपका जो खुद का अनुभव है, यानी सुतमयी और चिंतन के बाद में जो आपने शरीर पे जाके देखा है कि शरीर पे कैसा आ रहा है, तब आपको पता चलेगा। यही सिखाती है विपसना। इसलिए विपसना करने वाले लोग इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि वो सामने वाले का चेहरा देख के अपने शरीर में देखते हैं क्या हलचल हुई, अरे इसके चेहरे को देख के हमारे शरीर में अच्छा अनुभव आया खराब आया, कहेंगे नहीं, दूर से नमस्कार करेंगे, सब करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, मगर जान जाएंगे आदमी अच्छा नहीं है, आदमी खराब है या आदमी बढ़िया है या बहुत अच्छा है, तो ये उनको पता चल जाता है। ये विपसना का कमाल है, ये भावमयी प्रज्ञा का कमाल है और ये पहिया का है। इस पहिया का जो इस्तेमाल करते हैं हम अपने आप को सुख बनाने के लिए, वो इसलिए करते हैं कि जब हम कोई कर्म करते हैं, काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, किसे मिलते हैं, जुलते हैं दुनिया के अंदर, तो दो तरह की वेदनाएं संवेदनाएं आती हैं, एक अच्छी और एक खराब। तो हमारा शरीर हमें बता देता है ये काम अच्छा है, ये काम खराब है, खराब काम है नहीं करना है, यानी मन पक्का किया हुआ है हमने, संकल्प
किया हुआ है, राग द्वेष से दूर रहना है, सही काम है हमें करना है। तो आप सही 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 काम करते जाएंगे प्रज्ञा के अनुसार में, तो पाप होगा नहीं। पाप नहीं होगा तो पुराना पाप निकलता चला जाएगा और आप धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे, और शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्रीकरण हो जाएगा आपका। शुद्धिकरण होते ही आप फिर द्वारा से वही पुराने बुद्ध के अनुयायी, या ये कहें कि बिल्कुल 100% प्योर सुख वाले, चेहरे पे चमक वाले मनुष्य बन जाएंगे। ये पहिया है। तो इस पहिया को प्राप्त करने के लिए आपको समाधि में जाना पड़ेगा। समाधि में जाने के लिए आपको सील जितने भी हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो सील समाधि प्रज्ञा, यानी कि आप पहले सील का पालन करेंगे। सील पालन करने से आप पाप वाले काम नहीं करेंगे। समाधि में बैठेंगे तो आपको स्थिर रहने से आपके अनुभव का ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है अनुभव। तो अगर शांत नहीं बैठेंगे, मन शांत नहीं होगा तो वो आएंगे नहीं। और जब समाधि में बैठेंगे तो फिर वहां संकल्प अच्छा होगा आपका और फिर आपकी प्रज्ञा जाग जाएगी। इसी को कुंडली जागरण बोलते हैं, क्योंकि धम्म के अंदर जो धम्म चक्र का जागरण होता है वो पहिया के बाद होता है। तो कुंडली जागरण यानी कि धम्म चक्र की जो कुंडली है, बहुत सारी जगह पत्थर में आपने नाग जैसी कुंडली बनी हुई देखी होगी, चक्र देखा होगा, वो दरअसल इसी बात का है कि आपने 8 रास्ते चलते 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 अपना धम्म चक्र जगा लिया, आपने अपनी कुंडली जागृत कर ली। आपकी कुंडली जागृत हो गई, अब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका शरीर का अनुभव ऊपर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, और आप ज्ञान के शिखर पे पहुंच रहे हैं, अनुभव के शिखर पे पहुंच रहे हैं। आप अच्छे बुरे का पता कर लेते हैं। ये पहिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि पुराने समय में जो हमारी माताएं थी उनके साथ में जो औरतें आती थी वो कहती थी, माँ तेरे पहिया पढ़ूं, यानी पहिया पढ़ने का मतलब है कि मेरे को प्रज्ञा दे, मैं नम हो रही हूँ, झुक रही हूँ तेरे सामने। बाद में उसको पैर पूजने से बना दिया, यानी पैर छू लिए प्रज्ञा हो गई। ऐसे नहीं, बूढ़ी औरतें जो सती की अवस्था तक, सती पठान की अवस्था तक पहुंचती थी, वो घर की और औरतों को प्रज्ञा कैसे आती है, सती पठान कैसे आता है ये सिखाती थी। उसको बोलते थे पहिया पढ़ना, यानी प्रज्ञा में पढ़ना, प्रज्ञा सीखना, प्रज्ञा में जाना। ये परंपरा थी कि घर की जो कुल माता है वो बाकी बहुओं को, बेटियों को, सबको सिखाती थी, इसलिए उसके पैरों में पढ़ते थे और कहते थे पहिया पढ़ूं। और पहिया पढ़ने का, पैर में पढ़ने का प्रावधान बना दिया, परंपरा बना दी। वो प्रज्ञा और विजडम तो चली गई, पैरों में पड़े हुए धूल चाटते हुए लोग रह गए। कहीं भी गंदगी में पैर पड़े, बस पैर छूना है और हाथ भी नहीं धोना है, और ऊपर से नुकसान पे नुकसान होने लगा। इसलिए पहिया जो है वो सबसे ज्यादा, पहिया प्रज्ञा विजडम राइट विजडम, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस विजडम, यानी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है वो विजडम आपकी अपनी है, 100% सत्य है। वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। किसी का अनुभव कैसा होता है और किसी का अनुभव कैसा होता है, सबका अलग होता है। मगर पहिया प्रज्ञा यानी जो अनुभव है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बुद्ध के द्वारा खोजा गया सबसे अनमोल रत्न है पहिया, और पहिया आज तक भी झूठ नहीं बोलती। इसलिए विपस्सना साधना में जरूर सीखें और प्रज्ञा को सीखें, आपका कल्याण होगा। यहाँ ये 8 अंगों वाला मार्ग कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। Team 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर Team 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदल कर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है।
अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।